सो दिस इज द सेटअप फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, क्या किया है यहाँ पे, स्विच दे हैव यूज्ड हियर, स्विच. ओके, यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे बैटरी है. ओके, एंड इट इज अटैच विद दिस द इट इज अटैच विद दिस टू इलेक्ट्रोड्स. ओके, एज इट इज अटैच विद दिस टू इलेक्ट्रोड्स, एंड व्हाट विल हैपन एज देयर इज द मूवमेंट ऑफ द आयंस, एज देयर विल बी द मूवमेंट ऑफ द आयंस, व्हाट विल हैपन, दिस लैम्प विल ग्लो. ओके, सो आप देख सकते हो इन केस ऑफ सुक्रोज और इन केस ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, दिस विल नॉट डिसोसिएट इनटू इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, एंड देयर कंडक्टिविटी, उनकी जो कंडक्टिविटी है वो सेम रहेगी एज दैट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर. उसकी जो कंडक्टिविटी रहेगी वो सेम रहेगी एज दैट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, एंड दैट्स व्हाई दिस सुक्रोज एंड द यूरिया सॉल्यूशन, दिस विल बी अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर. ओके, दिस विल बी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक इन नेचर, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक इन नेचर रहेंगे. ओके, सो ऑन द अदर हैंड द सब्सटेंस लाइक पोटेशियम क्लोराइड, एसिडिक एसिड. ओके, सो ऑन द अदर हैंड द सब्सटेंस इज लाइक सोडियम क्लोराइड. ओके, सोडियम क्लोराइड, इफ यू टॉक अबाउट द सोडियम क्लोराइड, ओके, सोडियम क्लोराइड एसिटिक एसिड. ओके, सोडियम क्लोराइड एसिटिक एसिड. ओके, सो ड्यू टू सम टेक्निकल एरर वो द एप्लीकेशन वॉज स्विच्ड ऑफ ऑटोमेटिकली. वो क्या हो गया था, गूगल मीट ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया था. ओके, सो इसके लिए थोड़ा सा फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं उसको. सो इन केस ऑफ सुक्रोज एंड इन केस ऑफ यूरिया, इट विल नॉट डिसोसिएट, एंड ड्यू टू एज इट विल नॉट डिसोसिएट, कंडक्टिविटी जो रहेगी, कंडक्टिविटी, ओके, कंडक्टिंग कैपेसिटी ऑफ दैट सोल्यूशन, इट विल बी सेम एज दैट ऑफ डिस्टिल वाटर. बट वेन वी कंपेयर, ओके, सोल्यूशन, अगर हमने सोल्यूशन लिया, ओके, सोल्यूशन लिया किसका, सोडियम क्लोराइड का, ओके, सोडियम क्लोराइड का या फिर एसिटिक एसिड का अगर हम लोग सोल्यूशन लेते हैं, ओके, सो यू विल ऑब्जर्व दैट द कंडक्टिविटी, ओके, सो दिस विल डिसोसिएट, ओके, दिस विल डिसोसिएट इन देयर एक्वियस सोल्यूशन. सो दिस विल डिसोसिएट, सो हम लोग लिखेंगे दिस विल डिसोसिएट, ओके, इन देयर एक्वियस सोल्यूशन, उनके एक्वियस सोल्यूशन में ये डिसोसिएट होंगे, एंड एज दे विल डिसोसिएट इनटू देयर एक्वियस सोल्यूशन, इन देयर एक्वियस सोल्यूशन, एज दे डिसोसिएट, ये जो सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड एसिडिक एसिड का जो सोल्यूशन है, तो क्या हो जाएगा, दे विल डिसोसिएट इनटू देयर सोल्यूशन, एंड ड्यू टू व्हिच दे विल कंडक्ट, ओके, दे विल कंडक्ट. ओके, सो द कंडक्टिविटीज ऑफ देयर एक्वियस सोल्यूशंस, ओके, सो कंडक्टिविटी ऑफ, यहाँ पे मैं लिखता हूं द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ देयर एक्वियस सोल्यूशन विल बी हायर देन द वॉटर. ओके, इट विल बी हाइयर, देयर कंडक्टिविटी विल बी हाइयर देन डिस्टिल्ड वॉटर, इट विल बी हाइयर देन अ डिस्टिल्ड वॉटर. डिस्टिल्ड वॉटर बोल सकते हो या फिर सिंपली यू कैन कॉल अ वॉटर. सो समझ में आया व्हाई द कंडक्टिविटी विल बी हायर, बिकॉज कि सोडियम क्लोराइड है, एसिटिक एसिड है, जो सोल्यूशन हमने यहाँ पे लिया था. ओके, इस सेटअप में जो भी सोल्यूशन लिया है हम लोगों ने, तो इन केस ऑफ सुक्रोज एंड यूरिया उनका जो कंडक्टिविटी रहेगा वो सेम रहेगा एज दैट ऑफ अ डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि ये जो सुक्रोज और यूरिया का जो सोल्यूशन जो बना हुआ है ये किस में बना हुआ है, डिस्टिल्ड वाटर में. हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सबका सोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. ओके, सो एज द सुक्रोज एंड यूरिया विल नॉट डिसोसिएट, ओके, इन टू द आयन्स, एंड इनकी जो कंडक्टिविटी रहेगी वो सेम रहेगी, तो ये जो सोल्यूशन रहेगा सुक्रोज और यूरिया का जो सोल्यूशन जो फॉर्म होगा उसकी जो कंडक्टिविटी रहेगी वो सेम रहेगी एज दैट ऑफ अ डिस्टिल्ड वाटर. बट वेन वी टॉक अबाउट अ सोल्यूशन विच इज प्रिपेयर बाय सोडियम क्लोराइड और एसिटिक एसिड, ओके, एसिटिक एसिड को और सोडियम क्लोराइड को मिक्स करके, किसके साथ, डिस्टिल वाटर के साथ मिक्स करके जो हम लोग सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, जो हम लोग सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, दैट सोल्यूशन हुज कंडक्टिविटी विल बी हाइयर देन द डिस्टिल्ड वाटर. नाउ क्वेश्चन कम्स इन अवर माइंड कि इसकी जो कंडक्टिविटी रहेगी वो ज्यादा क्यों रहेगी, क्योंकि ये जो सोडियम क्लोराइड है और एसिडिक एसिड है ये क्या करेगा, इस ये अपने आयन डिसोसिएट करेगा, एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द आयन दीज आयन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी टू इंक्रीज इन द सोल्यूशन. समझ में आ गया, तो व्हाई वी आर टेकिंग दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट क्यों लिया गया, सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डिसोसिएशन एंड रिलेट दिस नेचर ऑफ डिसोसिएशन
डिसोसिएशन को आप कंडक्टिविटी से जोड़ो, समझ में आ गया? तो डिसोसिएशन ऑफ आयंस यू हैव टू कोरिलेट विद कंडक्टिविटी, डिसोसिएशन ऑफ द आयंस यू हैव टू कोरिलेट विद द कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो डिसोसिएशन होगा आयंस का तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, नहीं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्या? नहीं होगी। सो समझ में आया सब लोगों को, व्हाट इज द डिसोसिएशन एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद द कंडक्टिविटी? समझ में आया क्या दिया? सो दिस इज अबाउट द एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पे लिया गया था। ओके, सो द कंडक्टिविटीज ऑफ दीज एक्वियस सॉल्यूशंस आर हायर देन दैट ऑफ द वाटर एंड दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट? व्हिच विल डिसोसिएट इनटू आयंस एंड हुज कंडक्टिविटी विल बी higher, okay, whose conductivity will be higher, so that are called as the electrolytes. So on the basis of high or low electrical conductivity, electrolytes are classified into strong and weak electrolytes. Barabar na? Strong and weak electrolytes kaise classify kar sakte hum log? Okay, on the basis of high or low electrical conductivity, on the basis of high or low conductivity, these electrolytes, okay, so we'll write here, on the basis of high and low electrical conductivity, electrolytes are classified into strong and weak electrolyte. Okay, so strong and weak electrolyte. So हमने already discuss किया हुआ है what are a strong electrolyte and weak electrolyte. चलो बोलो one by one. What are strong electrolyte? वैष्णवी है क्या? वैष्णवी बोलो, strong electrolyte and weak electrolyte बोलो। ओके, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ एच प्लस आयंस विल बी व्हाट? ओके, सो ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ओके, विच विल डिसोसिएट कंप्लीटली, जो डिसोसिएट हो जाते हैं कंप्लीटली, ओके, जो डिसोसिएट क्या हो जाते हैं? Completely in their aqueous solution, and due to dissociation completely क्या हो जाएगा? Okay, जो उसका जो nature है वो क्या रहेगा? Strong nature रहेगा। उस electrolyte का nature क्या रहेगा? Strong nature रहेगा। Due to complete dissociation, they will form a strong electrolyte. And what is a weak electrolyte? Weak electrolyte which will dissociate incompletely, there will be incomplete dissociation. जो dissociation क्या होगा? Incomplete dissociation or incomplete ionization. Okay, incomplete dissociation. Okay, already study किया है हम लोगों ने. Okay, in chapter ionic equilibrium में हो गए. Okay, so on the basis of this, okay, classified into two ways. The substance such as ionic salt, okay, strong acids or bases are almost completely dissociated in aqueous solutions. Okay, so जैसे ionic salts है, okay, ionic salts, then strong acids, okay, for example ionic salt है, then strong acids है, okay, strong acids है, that will dissociate completely, that will ionize completely, okay, so almost completely dissociate in the aqueous solution, these are strong electrolyte. The solution of strong electrolyte exhibit higher conductivity. समझ में आया? Strong electrolyte they will exhibit high conductivity. So ये ध्यान में रखो, they will exhibit high conductivity. अभी just हम लोगों ने discuss किया है ये experiment. Why it exhibit high conductivity? Due to dissociation of their ions completely. Due to complete dissociation, they will take part into the ions. बराबर है, ions ज्यादा form होंगे and as the more number of ions form होते हैं, देखो हमने example लिया था sodium chloride का and acetic acid का, they will dissociate. बराबर है ना? वो क्या होते हैं? Dissociate होते हैं into their ions.
and these ions are responsible, okay, to increase the conductivity higher than the distilled water, barabar hai, to increase the conductivity. So this is the reason that strong electrolyte that will dissociate completely, okay, strong electrolyte are those substance which will dissociate completely, and due to complete dissociation, okay, formation of ion, these like ionic salts are strong acids which will dissociate completely and they will exhibit a high conductivity. Okay, so when we talk about a weak electrolyte, okay, jab hi hum log baat karte hain weak electrolyte ki, ye dekho weak electrolyte ki, to ye kya hota hai, incomplete dissociation hota hai, and due to incomplete dissociation they will not form the ions completely, okay, and due to which what happens, the weak acids and weak bases are weak electrolyte, weak acids and weak bases, okay, weak acids and weak bases are what, weak electrolyte hai, wo kya hai, weak electrolyte hai, and they dissociate to a very small extent, in aqueous solution and show lower conductivity, and they shows lower conductivity. So you must be very much aware about where it is showing higher conductivity and where it is showing lower conductivity. Higher conductivity kahan pe hai, in case of strong electrolyte mein high conductivity hai, weak electrolyte mein lower conductivity hai. Okay, samajh mein aaya sab logon ko, okay, so they show lower conductivity than those of the strong electrolyte. Okay, so electrolyte is a compound that conducts electricity when molten or in aqueous solution and breaks down into ions during electrolysis. Okay, so electrolytes kya hai, aap logon ko idea hai uske bare mein. Okay, so samajh mein aaya sab logon ko how this dissociation, okay, and dissociation, that is complete dissociation and incomplete dissociation in a strong electrolyte and weak electrolyte will give rise to higher conductivity and lower conductivity respectively. Samajh mein aaya sab logon ko? So now we will discuss about the electrical conductance of a solution. Okay, electrical conductance of a solution, how the solution is conducting electricity. Okay, electrical conductance of a solution that we will study. So we'll write here electrical conductance of a solution. So in general we know the conductivity, or in general we know, okay, so according to the Ohm's law, electrical resistance, how it is defined, bolo batao, aap log batao how electrical resistance is defined by Ohm's law. Electrical resistance how it is defined by Ohm's law, bolo na, Ohm's law, yes, as per Ohm's law how the resistance is classified, resistance are electrical resistance, yes, electrical resistance, कोई तो बोलो, ओम्स लॉ क्या है, V is equals to I into R है ना, so R is given by वैष्णवी, R is given by, yes Saksh, yes, R is what, resistance, and which will be equals to क्या होता है, by ओम्स लॉ, बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस, ओके बोलते जाओ आप लोग, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय, यस यस, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक करंट, बराबर है, जो भी करंट सप्लाई हो रहा है, बराबर है ना, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट इंडिकेटेड विद कैपिटल वी, ओके कैपिटल वी, ओके, और इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल आर, ओके, सो इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है वोल्ट, ओके, करंट का यूनिट क्या है, बोलो करंट का यूनिट क्या रहता है, एम्पियर रहता है, ओके, सो वोल्ट पर एम्पियर, बराबर है ना, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्टेज और वोल्ट्स विच इज इंडिकेटेड बाय क्या, वी, एंड एम्पियर विच इज इंडिकेटेड बाय ए, सो वोल्ट पर एम्पियर, ओके, सो वोल्ट पर एम्पियर इज व्हाट, इज व्हाट, इज इंडिकेटेड बाय, यस, इज इंडिकेटेड बाय दिस ओम, ओके, सो
this is called as this symbol is called as omega. This symbol is called as omega. This symbol is called as ohm. Okay, ohm's law. इसलिए नाम दिया गया है. Okay, so electrical resistance is ohm. Okay, electrical resistance is what? Ohm. And ohm is equals to V upon I, voltage upon ampere, voltage upon current. Okay, so which is indicated by omega. Okay, so वो symbol को symbol का नाम क्या है? Omega. So omega is what? Omega is equals to that is voltage into ampere raised to power minus 1. Okay, so this is the electrical resistance. This is what? Electrical resistance. ये वाला क्या है? Electrical resistance है ये वाला, बराबर है, which is indicated by this. Okay, so electrical resistance. Now when we talk about electrical conductance, yes, पता है क्या आप लोगों को इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किससे इंडिकेट करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यस यस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस विच इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल जी. ओके, कैपिटल जी. ओके, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जी ऑफ अ सॉल्यूशन. ओके, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी एंड विच इज इक्वल्स टू, ओके, दिस इज इक्वल्स टू, this is equals to 1 upon resistance, 1 upon resistance. अभी देखो यहाँ पे 1 upon resistance. So what will be the unit? Okay, what will be the unit of this? What will the SI unit of G? Okay, is called as Siemens. Okay, आप देखो यहाँ पे, so ये क्या हो जाएगा? 1 upon what is the unit of resistance? Unit of resistance देखो क्या है? Ohm है, which is indicated by this omega. And which will be equals to omega inverse. Okay, and this omega inverse. Okay, so this the SI unit of the electrical conductance is the Siemens. So Siemens. So the SI unit of electrical conductance of a solution is what? Siemens. Okay, Siemens, and denoted. Okay, and it is denoted by capital S. It is denoted by capital S. Which is equals to, okay, omega. So yes, Siemens is equals to, this is omega inverse. Okay, Siemens will be equals to omega inverse. Omega inverse. So समझ में आ गया आप लोगों को. Therefore we write, okay, therefore we write the Siemens is equals to omega inverse. Okay, अभी देखो omega यानी क्या है? Omega यानी क्या है? Omega यानी क्या है? Voltage per एम्पियर. ओके, वोल्टेज पर एम्पियर, तो ऑलरेडी वो इनवर्स में है. ओके, मींस व्हाट इज दैट? इट इज 1 अपॉन ओमेगा में है. ओके, 1 अपॉन ओमेगा में है. सो ओमेगा इज इक्वल्स टू, ओके, इट इज वोल्टेज, ओके, पर एम्पियर. तो ये क्या हो जाएगा? एम्पियर पर वोल्टेज हो जाएगा. ओके, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस विल बी एम्पियर पर वोल्टेज हो जाएगा. ओके, सो एम्पियर पर वोल्टेज. व्हाट इज एम्पियर? एम्पियर इज व्हाट? एम्पियर क्या रहता है? करंट विच इज फ्लोविंग, बराबर है ना? एम्पियर इज व्हाट? द करंट इट इज फ्लोविंग. एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर का यूनिट क्या? एम्पियर किसका यूनिट है? करंट का. ओके, सो करंट विच इज फ्लोविंग एंड दिस कैन बी गिवन बाय, ओके, दिस कैन बी गिवन बाय, ओके, व्हेनेवर वी आर सेइंग अ करंट इज फ्लोविंग, सो व्हाट इज, यहां पर मैं लिखता हूं, करंट इज इक्वल टू, करंट यानी क्या होता है? That is how much amount of charge is flowing per unit time. ये देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ. Current which is indicated by, okay, I. Current किससे indicate करते हैं? I से indicate करते हैं. Okay, so charge. Okay, charge. So coulomb. Okay, coulomb से indicate करते हैं. Time को किससे indicate करते हैं? Second से indicate करते हैं. Okay, so ये देखो कैसे लिखेंगे? C upon second. Okay. And current को किससे इंडिकेट करते हैं? एम्पियर से इंडिकेट करते हैं. सो व्हाट वी कैन राइट डाउन? एम्पियर इज इक्वल टू सी अपॉन यस. समझ में आया सब लोगों को? एम्पियर इज इक्वल टू सी अपॉन यस. नाउ वी कैन ऐड दिस. एम्पियर इज इक्वल टू दैट इज सी अपॉन यस. ओके, सो डिवाइडेड बाय वी, लाइक दिस. ओके, सो इन दिस वे ऑल्सो वी कैन नाउ इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं. ओके, दैट इज चार्ज, ओके, सेकंड इनवर्स, ओके, इनटू वोल्टेज इनवर्स. समझ में आया सब लोगों को?
So in this way also it can be represented. Okay, don't get confused about this. Okay, so this is what second. समझ में आया ना कहाँ से आया तो? Okay, so in this way it can be converted. So electrical resistance of a conductor is directly proportional. Okay, to the length. So we know that the resistance. Okay, resistance is what? Directly proportional to length and inversely proportional to cross sectional area. Okay, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा. Okay, 10th standard में physics में पढ़ा होगा. That is what R is directly proportional to length. Okay, resistance of a conductor. Okay, in electrical circuit is directly proportional to the length of the conductor. बराबर है ना? Length of the conductor and inversely proportional to A. A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है. ओके, ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो विल राइट हियर, एल इज द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर. एल इज अबाउट लेंथ ऑफ द कंडक्टर. एल इज द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर. बराबर है. ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया है. सो बाय रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हाउ वी कैन राइट इट. So R is equal to ये आ जाता है rho, rho into L upon A. Now what is this rho stands for? Rho is the resistivity. बराबर है ना? यही है ना? Rho क्या रहता है? बोलो. Rho is what? The resistivity. So where rho is the proportional constant and is called as the resistivity of a conductor. बराबर है ना? साक्षी पढ़ाया ना ये आप लोगों ने? पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? फिजिक्स में पढ़ाया ना आप लोगों ने? टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आप लोगों ने. आई थिंक सॉरी नाइन्थ में ही पढ़ा होगा शायद से. रो इज व्हाट? रेजिस्टिविटी. रो इज व्हाट? रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर. ओके, कैसे आया यहाँ पे? आर द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया. यानी जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. इनवर्स रिलेशन है. ओके, so removing this proportionality symbol we get the resistivity and rho is the resistivity. So the what will be the unit of resistivity? But bolo. Yes, tell me answer of this. What will be the unit of resistivity? Kya rahega batao? ओम. ओके, सो यहां पे देखो फिर से. ओके, सुनो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूनिट क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है? दैट इज मीटर स्क्वायर. लेंथ, लेंथ किस में मेजर करते हैं हम लोग? मीटर में मेजर करते हैं. बराबर है ना? तो ये देखो, यहाँ पे देखो ये मीटर कैंसिल हो गया, यहाँ से एक मीटर कैंसिल हो गया. बचा क्या है यहाँ पे? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो इनटू मीटर. रो इनटू मीटर. ओके, सो व्हाट इज द, सॉरी, ओम इनटू मीटर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ओम इनटू मीटर. समझ में आया ना? ओम इनटू मीटर. ओम दैट इज ओके, ओमेगा, ओमेगा इनटू मीटर. समझ में आया? रेजिस्टिविटी का यूनिट है. ओके, सो based on this we will now find out the conductivity. Okay, conductivity dekhenge. Okay, conductivity which is indicated by the K symbol. K conductivity which is indicated by the symbol K. So conductivity. Okay, so conductivity which is indicated by this small k. Okay, conductivity which is indicated by small k. So we have seen that the electrical conductance. Okay, electrical conductance, ye kya hota hai? Ye hota hai 1 upon R. Okay, 1 upon R means what? It is 1 upon resistance. Resistance of the electrical. Okay, so we have seen that G is equals to 1 upon R and R is directly proportional to length. Barabar hai na? R क्या देखा हम लोगों ने? R is directly proportional to A and it is inversely proportional to cross sectional area. Just अभी हम लोगों ने देखा है. Okay, so therefore it follows that
जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, बराबर ना, जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अभी देखो यहाँ पे जी इज इक्वल टू, ये क्या है, वन अपॉन आर है, बराबर है, वन अपॉन आर इनवर्स में है रिलेशन, और आर इज इक्वल टू क्या है, आर इज इक्वल टू रो इन टू एल अपॉन ए, बराबर है। तो आप क्या बोल सकते हो कि जी क्या रहेगा, जी विल बी अपोजिट रहेगा, जी विल बी अपोजिट, एंड वॉट विल बी दैट, बेस्ड ऑन दिस यू विल से दैट जी विल बी, ओके, जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका उल्टा हो जाएगा अभी, बराबर है ना, इसका देखो उल्टा हो जाएगा, जिसे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, ओके, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, ओके, बट वी नो दिस रिलेशन, g इज इक्वल टू वन अपॉन आर, रेसिप्रोकल में है, तो ये देखो रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ले लो तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन एल हो जाएगा, दैट इज a अपॉन एल। सो व्हाट वी कैन से नाउ, g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड g विल बी inversely proportional to the length. Okay. So what is this G? G is a electrical conductance. Okay. Is electrical conductance. And now, ये देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे G is now inverse is directly proportional to cross sectional area and inversely proportional to L. And removing this proportionality symbol. Now removing this proportionality symbol, I will introduce the constant that is called as a K and this is called as the conductivity. Okay, so electrical conductance is equals to conductivity multiplied by the cross sectional area upon L. Okay, ye equation milegi hame. Okay, and we will get one equation, that what is that, the electrical conductance is equals to conductivity multiplied by cross sectional area into the length of the conductor. So the proportionality constant K is called the conductivity. Okay, so this proportionality K is called as the conductivity. So G is equals to K. बोलो कब रहेगा? G is equals to K कब रहेगा? When cross sectional area is unity, one रहेगा, as well as उसकी जो length है, ये भी unity रहेगी, बराबर है ना? When A and L, बराबर है, cross sectional area and its length will be unity. When this will be unity, यानी एक unit रहेगा, that time the G will be equals to K, means the electrical conductance will be equals to, okay, G is what, electrical conductance, okay, ये word आपको पता होना चाहिए, ये terminologies आपको पता होनी चाहिए, G is electrical conductance, and when electrical conductance is equals to the conductivity, when A and L is unity, when A and L is the unity, so conductivity is the electrical conductance. What is the conductivity? It is the electrical conductance of a conductor of unit length and unit area of cross section. यानी इसका meaning क्या है? The conductivity is electrical conductance. Conductivity is what? It is electrical conductance of unit length and unit cross section area. Of unit length and unit cross sectional area. Okay, unit length and unit cross sectional एरिया. ये देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग इस इक्वेशन को. तो देखो K will be equals to क्या हो जाएगा? K will be equals to the electrical conductance multiplied by unit length multiplied by its area. Okay. So this conductivity is the electrical conductance. Okay. It is electrical conductance of a conductor of unit length. Of unit length. Okay. Of unit length. And unit cross sectional area of unit cross sectional area. In other words, the conductivity is the electrical conductance of unit cube of material. Okay, so ye aap word dhyan mein rakho. Okay, I will write it. Okay, in other words, conductivity. In other words, the conductivity is electrical conductance is electrical conductance. Electrical conductance, it is the electrical conductance, it is the electrical conductance of unit cube of material, of unit cube of material, it is unit cube of material. Okay, so conductivity is defined as conductivity is defined as the conductance of a unit length per unit area, per unit area. Okay, so conductance per unit length
ये देखो इसीलिए बुक में ऐसी अरेंज इक्वेशन नहीं लिखी हुई है, आप रीअरेंज करो उसको। ये देखो यहाँ से k इज इक्वल टू g इंटू एल अपॉन ए। सो इन दिस वे नाउ यू कैन डिफाइन इट दैट कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पर यूनिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस फॉर अ यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल। So conductivity of a solution of electrolyte is called electrolytic conductivity. Okay. So what is electrolytic conductivity? Now what is electrolytic conductivity? Because we have to find out the conductivity in terms of solution. So electrolytic conductivity. What will be the electrolytic conductivity now? Electrolytic conductivity क्या हो जाएगी? It is the conductivity of a solution of an electrolyte. So it is what a conductivity of an electrolyte. It is the conductivity of an electrolyte. ये electrolyte की conductivity है. Okay. Conductivity of an electrolyte. Okay. So conductivity of a solution. Okay. Conductivity of a solution of an electrolyte. Okay. So that will be called as the electrolytic conductivity. समझ में है? So we will correlate this electrical conductance with now or electrical conductivity with what? Electrolytic conductivity. समझ में है? So it is a conductivity of solution. Solution कितना conduct कर रहा है? Okay. So of an electrolyte. So it is purely depends on the nature of the electrolyte. के nature के ऊपर depend करेगा. Okay. So electrolytic conductivity which refers to the electrical conductance of a unit volume, okay, of a unit volume of a solution. So we have written just now, what is that? K is equals to, देखो अभी हम लोगों ने लिखा हुआ है, that K is equals to क्या लिखा हम लोगों ने? That is G into L upon A. Okay, G को हम लोग क्या लिख सकते? That is 1 upon R. Okay, into L upon A. So this is a conductivity. Conductivity is equals to G into L upon A. Just लिखा हम लोगों ने, but G can be written as, because G is equals to 1 upon R. Conductance is equals to 1 upon resistance. Okay, but what is the resistance? R is equals to rho into L upon A. So now we will put value here. Conductance is equals to R की value क्या है? Rho into L, okay, upon A. Okay, upon A. Multiply by this L into A. ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, R की वैल्यू रखा, R की वैल्यू क्या है? Rho into L upon A. तो देखो यहाँ पे Rho into L upon A. तो ये देखो A cancel हो गया, L cancel हो गया, क्या बचा? Conductivity is equals to 1 upon resistivity. We have got one relation that conductivity of any electrical conductance. Okay, conductivity of any electrical conductor is what? Is equals to 1 upon resistivity. Okay. So we have written the unit. Okay. We have written the unit of resistivity that rho is equals to. Okay. Likha hua hai hum logo ne. Rho is equals to omega into meter. Okay. Omega into meter. So, ये देखो यहाँ पे मैं इसका यूनिट लिखता हूँ. K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो है. सो यूनिट लिखेंगे हम लोग उसका, रो का यूनिट होता है ओम इंटू मीटर. ओके, ओम इंटू मीटर होता है. ये ऊपर में जाएगा, दैट इज ओम रेस टू माइनस एंड मीटर रेस टू माइनस. ओके, सो ओम रेस टू माइनस वन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सीमेन. Okay, it is also called as a Siemen. Okay, it is also called as a Siemen. Siemen rest, Siemen into meter rest to minus 1. In this way, the unit will be. Okay, in this way, the unit will be. And the for some of the electrolytic conductivity, they have mentioned. Okay, units of electrolytic conductivity. Length, jaisa unit meter rehta hai, aapko pata hai. Okay, area meter square rehta hai. The resistance is given by omega, and the conductivity. Okay, conductivity we have already written.
सीमेंस मीटर रेस टू माइनस ओके या ओम रेस टू माइनस ओके ओम रेस टू माइनस मल्टीप्लाई बाय मीटर रेस टू माइनस वन ओके इन दिस वे दीज आर द यूनिट्स ओके सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द हाउ दे आर यूनिट दे आर फॉर्म ओके यूनिट कैसे फॉर्म हो रहे ओके ओके देखा हम लोगों ने समझ में आया सब लोगों को इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड हाउ दे हैव फाउंड द रिलेशन बिटवीन द कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी दैट इज के एंड रो समझ में आया सब लोगों को सो लुक एट दिस राइट नाउ ओके दीज आर द क्वांटिटीज and these are the common unit quantity SI units and common units for a length SI unit is meter common unit is centimeter for area SI unit is meter square and the common unit is centimeter square resistance which is represented by omega okay ohm and the common unit is omega only okay conductivity is omega minus 1 meter raised to minus 1 just now we have found this and which is equals to okay which is equals to siemens which is equals to this is siemens okay multiply by meter raised to minus 1 and its common unit is ohm minus 1 centimeter minus 1 okay so few these are the common units and the SI units are mentioned so based on this we will study our next part that is called as a molar conductivity वो हम लोग कल पढ़ेंगे मोलार कंडक्टिविटी ओके सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कंडक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ओके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ओके इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी समझ में आया सब लोगों को यस साक्षी समझ में आया व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन साक्षी दिया वैष्णवी यस ओके सो विद दिस विल कंक्लूड द लेक्चर एंड टुमारो वी विल स्टडी अबाउट मोलार कंडक्टिविटी ओके मोलार कंडक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे